एवरीवन, वेलकम टू CHEM POINT। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री की, जो है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। आई एम श्योर कि आपने इन टर्म्स के बारे में पहले भी पढ़ा होगा, सबकी डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई होगी, बट अगर आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो आप डेफिनेटली कुछ नया सीखेंगे। हमें पता है ऑक्सीडेशन क्या होता है, बट कई बार हम जब देखने लगते हैं किसी रिएक्शन को तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा या यहाँ पे रिडक्शन किसकी हो रही होगी। ये वीडियो देखने के बाद आपके सब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें कि रिडक्शन होती क्या है, तो इन तीन में से कोई भी एक चीज़ अगर किसी स्पीशीज पे हो रही है तो वहाँ पे उस स्पीशीज की रिडक्शन होती है। फर्स्ट इज या तो वहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो, सेकेंड इज गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड थर्ड वन इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अगर इन तीन में से कोई भी चीज़ हो रही है देन उस स्पीशीज की क्या होती है, रिडक्शन होती है। वेयर एज हम बात करें ऑक्सीडेशन, इसके जस्ट अपोजिट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन, इन तीनों में से कोई भी चीज़ अगर हो रही है तो उस स्पीशीज की क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। अब लर्न कैसे करेंगे, तो लर्न हम ऐसे करेंगे कि ओ जो है ओ को ही गेन करेगा, ऑक्सीडेशन जो है ऑक्सीजन को ही गेन करेगा, बाकी दोनों को लॉस करेगा, उन दोनों को लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन को भी लूज करेगा और हाइड्रोजन को भी लूज करेगा। तो ऐसे हम इसको लर्न कर सकते हैं, बहुत इजी रहेगा। एक और चीज़ जो हम सभी को पता होगी कि कोई भी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होती है तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। नेक्स्ट चीज़, अगर कोई स्पीशीज की रिडक्शन हो रही है तो वो रिएक्शन में क्या कर रहा होगा, वो रिएक्शन में ऑक्सीडेशन कर रहा होगा। कैसे, देखिए किसी स्पीशीज ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इलेक्ट्रॉन कैसे गेन किया होगा, रिएक्शन से इलेक्ट्रॉन लिया होगा। अब इसने रिएक्शन से इलेक्ट्रॉन लिया तो रिएक्शन में तो क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो रिएक्शन में उसने क्या की, ऑक्सीडेशन की, और उसने रिएक्शन में ऑक्सीडेशन की तो जिसकी रिडक्शन होती है वो क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वेयर एज जिस स्पीशीज की ऑक्सीडेशन होती है वो रिएक्शन में क्या करता है, रिएक्शन में करता है रिडक्शन, दैट्स वाई जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टीज हैं और ये रिड्यूसिंग एजेंट की प्रॉपर्टीज हैं तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की भी क्या प्रॉपर्टी है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, एंड रिड्यूसिंग एजेंट इज प्रॉपर्टीज आर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन। अब चलिए तीनों का एक एक एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं कि ये टर्म्स क्या होती हैं, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, सब हमारे डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल इज, जो एग्जाम्पल है बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से हम समझेंगे कि किसकी रिडक्शन हो रही है और किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। अब यहाँ पे देखिए एन ए किस में चेंज हुआ, एन ए सोडियम चेंजेस इंटू सोडियम पॉजिटिव, और सी एल आपका चेंज हुआ सी एल नेगेटिव, क्लोरीन जो है सी एल नेगेटिव में चेंज हुआ। तो यहाँ पे एन ए ने क्या किया, यहाँ पे एन ए ने किया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, और यहाँ सी एल ने क्या किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो हमें पता है जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है किसी स्पीशीज की तो उसकी क्या होती है, उसकी होती है ऑक्सीडेशन। वेयर एज जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को गेन करती है वहाँ पे उसका क्या होता है, द स्पीशीज गोज अंडर रिडक्शन। अब जो स्पीशीज क्या कर रही है, ऑक्सीडेशन कर रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का उसने लॉस किया, तो रिएक्शन ने तो क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया ना, तो उसने रिएक्शन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो रिएक्शन में क्या हुई, रिडक्शन। और जो स्पीशीज रिडक्शन कराएंगे रिएक्शन में तो वो क्या कहलाते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, सोडियम। वेयर एज इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, क्लोरीन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखेंगे हम बाय ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन। अब ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन से देखते हैं कि कौन ऑक्सीडेशन कर रहा है, कौन रिडक्शन कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे सी यू ओ चेंजेस इनटू सी यू एंड एच टू चेंजेस इनटू एच टू ओ, यहाँ पे क्या हो रही है, लॉस हो रहा है किसका, ऑक्सीजन का। देखिए ऑक्सीजन का लॉस हो गया, वेयर एज यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। और मैंने आपको बताया था ओ ओ को ही गेन करेगा, तो ऑक्सीजन का अगर गेन हो रहा है तो वो स्पीशीज की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। जिस स्पीशीज की ऑक्सीडेशन हो रही है वो रिएक्शन में क्या करेगी, रिडक्शन, और क्या कहलाएगी, रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, हाइड्रोजन। वेयर एज लॉस ऑफ ऑक्सीजन मीन्स रिडक्शन,
स्पीशीज की रिडक्शन हुई, रिएक्शन में उसने क्या की, ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे ये स्पीशीज क्या है, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओके, नेक्स्ट अगर बात करें, Fe2O3 plus CO gives us 2 Fe plus 3CO2. यहाँ पे अब ये मैं आपको कमेंट सेक्शन में छोड़ती हूँ कि आप मुझे इसका आंसर बताएंगे, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो, कि किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और किसकी रिडक्शन हो रही है और किस मेथड से हो रही है, कि ऑक्सीडेशन ट्रांसफर हो रही है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं या हाइड्रोजन ट्रांसफर हो रहे हैं. बाय द वे हाइड्रोजन ट्रांसफर का भी मैं एक एग्जाम्पल आपको करा दूँ, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम बताएंगे बाय ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन. फॉर एग्जांपल 2NH3 प्लस 3Br2 गिव्स अस N2 प्लस 6HBr. अब यहाँ पे देखिए NH3 किस में चेंज हुआ, N2 में, और Br2 किस में चेंज हुआ, HBr में. तो NH3 ने क्या किया, लॉस किया, किसका, हाइड्रोजन का, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन जब होती है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन. तो स्पीशीज की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन. जिस स्पीशीज की ऑक्सीडेशन हो रही है वो रिएक्शन में क्या करेगा, रिडक्शन, तो क्या कहलाएगा, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा. वेयर एज Br2 की अगर हम बात करें तो Br2 की क्या हो रही है, यहाँ पे गेन ऑफ हाइड्रोजन है, तो गेन ऑफ हाइड्रोजन है तो यहाँ पे होगी रिडक्शन, और जिस स्पीशीज की रिडक्शन होती है वो रिएक्शन के लिए क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो उम्मीद है आपको व्हाट इज ऑक्सीडेशन, रिडक्शन कैसे पता लगाते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कैसे पता लगाते हैं, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे पता लगाते हैं, आपको ये क्लियर हुआ होगा. सो थैंक यू, होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ. थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे. वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही.